अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरीज फातमा एंड वेलकम टू अरीज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मिक्स वेजिटेबल्स। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, 1.5 कप गाजर, शिमला मिर्च 1.5 कप, प्याज 1 मीडियम, कैबेज मैंने बड़ी मेरे पास ही तो मैंने उसका हाफ ले लिया, टोमेटो 1 मीडियम, 1 कप मटर, 1 टेबलस्पून ऑफ अदरक लहसुन, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ मेथी दाना, हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं अपने मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए। तो चलिए आइए हम मिक्स वेजिटेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हमें डालना है ऑयल। देन इसके अंदर हम डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। अब इस मेथी दाने को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसमें से करकराने की आवाज आना शुरू हो जाए। ये देखिए, आपको मेथी दाने में से आवाज आ रही होगी, उससे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। देन इसके अंदर हम डालेंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर हम अनियन, जो हमने वन मीडियम साइज की प्याज काटी थी वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। हल्का ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन हो रही है, उसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें, ताकि जो हरी मिर्चों का जो एक फ्लेवर होता है वो हमारे सालन में आ जाए। ओके, देखिए प्याज ने ब्राउन होना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारे ये होगा कि हम इसके अंदर वन मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे और इतना इसे पकाएंगे कि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। टमाटर गलाने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख देंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए, 2 to 3 मिनट्स के लिए मैक्सिमम। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे, टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन, जो हमने लिया था 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से भूनना है, आपको अदरक लहसुन की अच्छी से खुशबू आने लगे। इसके बाद आपने इसके अंदर सारी सब्जियां जो आपने कट की थी वो आप डाल दें। सब्जियां अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको ना पसंद हो। जो आप इसके अंदर आलू भी डाल सकते हैं बच्चों के हिसाब से, बच्चों को आलू पसंद होता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ इसको हम मिक्स करें। अब इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस डाल, इसे हम बस 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसमें पानी डाल के इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, इसको हमने थोड़ी देर भूना है। भूनने के बाद इसके अंदर इतना पानी डाल रही हूँ मैं, 1 ग्लास से थोड़ा सा कम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। आफ्टर मिक्सिंग ऑल वेजिटेबल्स, इसको हम ढक देंगे। इस
इसको हम ढक देंगे और थोड़ी स्लो हीट पे इसको पकने देंगे 10 मिनट्स तक। हमारे 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम ढक्कन लगा के देखेंगे कि सब्जियां गल गई हैं या नहीं गली हैं। सब्जी ऑलमोस्ट गल चुकी है, इसमें बस थोड़ा सा पानी बाकी है, तो इसको हम थोड़ा खुश कर लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया, स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए। हम इसको लो फ्लेम पे पका रहे थे, अब हम इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, सब्जियां पक चुकी हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारी वेजिटेबल जो है वो रेडी हो चुकी है। शाउट कर देंगे तो ये देखिए हमारी सब्जी रेडी है, इसके ऊपर हमने हरा धनिया एंड थोड़ी सी हरी मिर्चें गार्निशिंग करके डाल दी हैं।